हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. टुडे वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस लेयर्स ऑफ एंथर. ओके, वी ऑलरेडी नो एंथर ऑफ लेयर, इनर मोस्ट लेयर टैपेटम थी. सबसे बाहर वाली लेयर हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और थर्ड वन हमारी मिडल लेयर और इनर मोस्ट हमारी टैपेटम लेयर थी. ये सब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में पढ़ चुके हैं. टुडे वी स्टडी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लेट्स डिस्कस व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर. जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन. और हमें पता है माइक्रोस्पोर क्या है, एक मेल गैमेट है. अगर मैं यहाँ पे मेगास्पोर कर देती तो मेगास्पोर का मतलब क्या होता, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन. ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन. वही हमें आज देखना है कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है. देखो, हमने सबसे अंदर वाली लेयर देखी थी टैपेटम. टैपेटम के अंदर क्या थे, स्पोरोजिनस टिश्यू थे. स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल, देखो कितने सारे स्पोरोजिनस टिश्यू हैं. स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल अपने आप में कैपेबिलिटी रखता है माइक्रोस्पोर बनाने की, है ना. ये स्पोरोजिनस टिश्यू लिखा हुआ, हर एक सेल, ईच सेल हैविंग कैपेबिलिटी टू फॉर्म माइक्रोस्पोर. इसलिए इन्हें हम क्या बोल देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू को, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल. पोटेंशियल, इनमें एबिलिटी है इसलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. समझ आया, क्योंकि हमने क्या देखा था टैपेटम वाली लेयर में क्या थे, वहां स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट थे, क्योंकि टैपेटम वाली लेयर ही तो वो थी जो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी. अब नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है तो हर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का कैपेबिलिटी रखता है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की, इसलिए हमने उनको MMC बोल दिया, या PMC बोल दो, या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो, पोटेंशियल मदर सेल बोल दो, एक ही बात है. ओके, तो अब आपको समझ आया होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या. देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल बाय मियोसिस. मियोसिस अभी देखते हैं, बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो मियोसिस और माइटोसिस वी ऑलरेडी डिस्कस. मियोसिस क्या होता है, मियोसिस हमारी होती है रिडक्शनल डिवीजन. ओके, और हमारी माइटोसिस क्या थी, इक्वेशनल डिवीजन. तो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होती है, देखो कैसे होती है. ये एक स्पोरोजिनस टिश्यू है, जैसे देखो इसके अंदर ये एक स्पोरोजिनस टिश्यू था, मैंने एक स्पोरोजिनस टिश्यू को ले लिया. ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इसमें होगी मियोसिस डिवीजन. हमारी बॉडी के अंदर कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस. हम सिंगल सेल, एक जायगोट होते हैं, डिप्लोइड होते हैं, उससे हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है, ग्रो करती रहती है, तो उसमें कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस होती रहती है ना. लेकिन यहाँ पे कौन सी डिवीजन है, मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है, देखो माइटोसिस में तो आपको पता है जितने क्रोमोजोम नंबर डिप्लॉयड होता है क्रोमोजोम नंबर, तो क्या हो जाती है, माइटोसिस में इक्वल ही आएंगी, ऑफस्प्रिंग हो कुछ भी हो, माइटोसिस में इक्वल रह जाता है क्रोमोजोम नंबर, इसलिए तो उसका नाम इक्वेशनल डिवीजन है. माइटोसिस नाम क्या है, इक्वेशनल. अब बात करते हैं मियोसिस की. मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्रोमोजोम नंबर हाफ होगा. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये हैप्लॉयड हो, और हैप्लॉयड होगा मान लो ये एन है, तो ये थोड़ी ना है कि उसके उसमें एन बाई टू, ये तो नहीं है, तो मतलब कि ये पहले से ही क्या होगा, डिप्लॉयड होगा. ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू है, अब इसमें मियोसिस डिवीजन होगी. मियोसिस डिवीजन होते ही क्या होगा, ये चार माइक्रोस्पोर बना लेगा, और चारों माइक्रोस्पोर को इकट्ठा बोल देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. इस तरह से स्पोरोजिनस टिश्यू से हमारे पास मियोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी है. यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम था ना ये, हमने पढ़ा था ये माइक्रोस्पोरेंजियम था, एक्ट्स एज ए पोटेंशियल मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल. होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा. स्पोरोजिनस टिश्यू था टैपेटम के अंदर, हमने देखा था उसमें क्या हुआ, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, हर सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है किसकी फॉर्मेशन की, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की, इसलिए उसको क्या बोल दिया, उसकी मदर बोल दिया, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल. आगे क्या होगा, देखो भाई अब ये क्या होगा, मैच्योर भी होएगा, है ना. अब देखो एक से क्या बन गए, चार बन गए यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसलिए हमने एक नाम दे दिया. तो यहाँ पे तो बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, ऐसे ही हजारों में, करोड़ों में, यहाँ से इतने सारे हो जाएंगे ये सारे,
बहुत सारे माइक्रोस्पोर हमारे पास बन जाएंगे। ऑन मैच्योरिटी, जैसे ये मैच्योर होगा, एंथर डिहाइड्रेट्स हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डी का मतलब हटना, हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी की कमी हो जाएगी। माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे। ये जो चार इकट्ठे थे ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये हमने पहले ही पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजिया, जब एंथर यंग है तो हम इसको क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजिया। और बाद में हमने इसको क्या बोल दिया था? पोलन सैक। अब पोलन सैक के अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई है? पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? देखो थोड़ा सा तो आइडिया आपको आ गया पोलन ग्रेन क्या है। एक तो स्पेरिकल होता है नेचर में, है ना, इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन और एंटाइन। अच्छे से हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।